हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉर्न शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जॉन कुक बेड पर सोया हुआ था। उसके सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। वो जैसे नींद से उठते हैं वो खुद को बेड में देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं, मैं इस होटल पर क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह से क्यों हूँ, मेरे कपड़े बिखरे हुए से क्यों है। और मैं उसके बाद जॉन कुक को थोड़ा थोड़ा सा याद आने लगते हैं। फिर वो याद आने के बाद बहुत ही शौक हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया और वो कौन थे, मुझे इस सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों ऐसा किया। वो अपने सर को पकड़ते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था और खुद को कोस रहा था। आखिर में जॉन कुक ने किसी के साथ रात बिताए थे। लास्ट नाइट को जॉन कुक ने बहुत ड्रिंक कर लिया था। उसके पार्टी में ड्रिंक करने के बाद उसके हालात इतने खराब हो गए थे कि उसने किसी को देख कर उसके ऊपर उल्टी कर दिया। जैसे ही वो उसको कुछ कहने वाला था, जॉन कुक ने उसके होठों पर किस कर लिया। तो वो इंसान अब खुद को और रोक नहीं पाया और जॉन कुक को अपनी बाहों में लेकर इस रूम में लेकर आए थे, बेड पर सुला दिया और उसके साथ इंटीमेट हो गए। उस इंसान ने जॉन कुक के साथ इस तरह से इंटीमेट हुआ था कि जॉन कुक को इतना पेन हो रहा है, उसके बॉडी में बहुत सारे निशान बन चुके हैं। जॉन कुक जहाँ पर भी टच करता है उसको दर्द फील हो रहा था। जॉन कुक मन में कहता है, वो इंसान है या फिर हेवन, उसने इस तरह से मेरे से ऐसा कुछ क्यों किया, वो पागल है क्या, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे मिलेगा ना, और वो कहाँ चला गया। मुझे इस तरह से बेड पर छोड़ते हुए वो मुझे छोड़कर चले गए। वो एक नंबर का कायर है, वो मेरे सामने बात करने के लायक भी नहीं है, वरना वो यहाँ से भाग थोड़ी जाते। जॉन कुक उस इंसान को गालियाँ दे रहे थे और खुद को भी कोस रहा था। आखिर क्यों उसने ड्रिंक कर लिया था, जबकि उसको इतना ड्रिंक करना नहीं चाहिए था, उसने क्यों ड्रिंक किया। और यहाँ पर त्यांग जैसे अपने घर वापस आते हैं, वो अपने रूम में जा ही रहा था। जिन कहता है, त्यांग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रात को कहाँ थे। त्यांग कुछ नहीं कहता है। तो जिन कहता है, त्यांग रुक जाओ और मेरी बातों का जवाब दो, तुम कहाँ थे रात को। आर्यन कहता है, ज़रूर वो कोई होटल में होगा किसी लड़की के साथ। क्यों, मैंने सही कहा ना, किसके साथ थे तुम, वायर या फिर कोई और। जिन कहता है, तुम चुप करो आर्यन, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो, त्यांग के बारे में कभी अच्छा नहीं बोल सकते हो क्या, वो ऐसा क्यों करेगा। और ऐसे भी मेरा त्यांग ऐसा नहीं है। क्यों त्यांग, मैंने सही कहा ना, तुम कहते क्यों नहीं हो, तुम चुप रहते हो, इसीलिए हमेशा त्यांग तुम्हें आर्यन बातें सुना पाते हैं। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा आर्यन की बातों से। आर्यन कहता है, वो मेरा भाई है, मैं उसको जानता हूँ, वो एक नंबर का पीले बॉय है। जिन कहता है, बस बहुत हो गया है, तुम चुप हो जाओ। यहाँ पर त्यांग वो बहुत ही खुश लग रहे थे। आर्यन कहता है, उसकी खुशी देखो, त्यांग की फेस पे जो खुशी है उसको देखकर ही मैं बोल सकता हूँ, वो किसी लड़की के साथ रात गुजर के आए हैं। क्यों त्यांग। जिन कहता है, बस बहुत हो गया है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। त्यांग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। त्यांग बिना कुछ बोले ही वो अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आ जाने के बाद वो रूम की दरवाजा बंद कर देता है। वो बेड पर जाकर सो जाता है अपने हाथ पैरों को चारों तरफ फैलाकर, और वो बहुत ही मुस्कुरा रहा था। कौन सी ख्यालों में खोया हुआ था त्यांग। पहली बार त्यांग को किसी की टच इतना ज़्यादा प्रीशियस लगा। आर्यन ने गलत नहीं कहा था, त्यांग ने इससे पहले बहुत सारे लड़कियों के साथ डेट पर गए थे, लेकिन किसी भी लड़की के साथ त्यांग होटल नहीं गया था और न ही किसी के साथ रात गुजारे हैं। त्यांग को किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। त्यांग को पता नहीं चल रहा था आखिर उसको क्या चाहिए। आखिर जब जॉन कुक ने उसको किस किया तब जाकर त्यांग को पता चला आखिर उसको लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़की में नहीं। त्यांग जॉन कुक की टच से बहुत ही खुश थे। त्यांग तो अभी भी अपने होठों को टांग से सक कर रहे थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। वो उस रात को भूल ही नहीं पा रहे थे जो जॉन कुक के साथ त्यांग बिता कर आए हैं। वो उस रात को हर एक दिन बिताना चाहता है, लेकिन जॉन कुक उसको कहाँ मिलेगा। त्यांग इसी के बारे में ही सोचकर परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत अपने मैनेजर योंगी को कॉल करता है, कहता है, मुझे किसी लड़के के बारे में जानना है। युंगी, तुरंत उसकी पता लगाओ। युंगी कहता है, कौन है वो, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पिक्चर चाहिए। तो त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें उसकी पिक्चर भेज देता हूँ, उसके बाद तुम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। युंगी कहता है, ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। यहाँ पर जॉन कुक जब सोया हुआ था तब त्यांग ने उसकी एक पिक्चर खींच लिया था सुबह को, और उसी पिक्चर को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा पिक्चर लिया था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, अब तुम्हारा पिक्चर मेरे काम में आ गए। युंगी जॉन कुक की पिक्चर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, इसका मतलब
मेरे बॉस को प्यार हो गया है, वो भी किसी लड़के से। मैं भी तो कहो, इतने ब्यूटीफुल और पीटी लड़कियों के साथ डेट पर जाने के बाद भी मेरे हैंडसम सा बॉस अभी तक सिंगल क्यों है? तो यही रीजन था। और यहाँ पर यूनो जनकुक को कॉल करते हैं। जनकुक यूनो की कॉल को उठाने के बाद कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे कॉल क्यों किए जा रहे हो बार बार? यूनो कहता है, कहाँ हो तुम मेरा कॉल को उठा क्यों नहीं रहे थे? तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें पता भी है टाइम क्या हुआ है और तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुँचे? जनकुक कहता है, क्या ऑफिस के टाइम भी हो चुके हैं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, कॉल रखो मैं अभी तैयार होकर आ जाता हूँ। यूनो कहता है, जल्दी से आ जाना, आज ऑफिस में न्यू बॉस आने वाले हैं, अगर कोई स्टाफ नहीं रहेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। जनकुक मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा जॉब चले जाए, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। जनकुक कहता, हाँ मैं 10 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। जनकुक ऑफिस आ जाने के बाद बहुत ही खोया खोया सा था। यूनो कहता है, क्या हुआ, तुम इतने खोए खोए से क्यों हो, क्या सोच रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो जनकुक कहता है, वो मैं तुमसे बाद में कहूँगा, लेकिन यूनो तुम मुझे ये बता सकते हो क्या, ये न्यू बॉस कौन है? तो यूनो कहता है, मुझे भी नहीं पता है, मुझे अभी अभी पता चला कोई न्यू बॉस आ रहे हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और वो प्ले बॉय भी है, सब लोग यही बोल रहे हैं। जनकुक कहता है, क्या प्ले बॉय? वो बॉस होकर प्ले बॉय कैसे हो सकता है? उनकी रेपुटेशन के बारे में उनको सोचना चाहिए, ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए उनको, वरना स्टाफ उनके बारे में क्या सोच रखेगा? यूनो कहता है, तुम इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही टेंशन लग रहा है, आखिर जनकुक क्या हो गया है, तुम इतने थके थके से क्यों लग रहे हो, और तुम्हें देखकर लग रहा है तुमने रात को सोया नहीं। जनकुक कहता है, हाँ मेरा सर बहुत ही भारी भारी सा लग रहा है। यूनो कहता है, रुको, बॉस आने से पहले मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। यूनो जनकुक के लिए नींबू पानी लेकर आ जाते हैं और कहता है, बॉस कुछ देर बाद आने ही वाले हैं, जल्दी से पी लो। एक बात बताओ मुझे जनकुक, क्या तुमने ड्रिंक किया था रात को? तुम मुझे कल रात को कॉल नहीं किया था, मैंने तुम्हें बहुत सारा कॉल भी किया था लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ थे तुम? जनकुक कहता है, वो मैं ड्रिंक करने के लिए क्लब चला गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता है, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत थी लेकिन तुमने मुझे कॉल किया तो मुझे ऑफिस आना पड़ा, और ऐसे भी ऑफिस अगर नहीं आऊँगा तो कैसे चलेगा, तुम तो जानती हो मुझे कितने सारे पैसे अर्न करने हैं ताकि मैं अपने घर को छुड़ा सकूँ, बहुत ज़्यादा कर्ज है मेरे ऊपर, मुझे सब कुछ लौटाना होगा ताकि मेरी चीज़ मेरे पास आ जाए, वरना मैं बेघर हो जाऊँगा। यूनो कहता है, मैं तुम्हारे सारे कर्ज को तो उतार नहीं सकता हूँ लेकिन कुछ पैसे देकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? जनकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता हूँ यूनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने ऐसा सोचा है, जल्दी से। अब यूनो कहता है, जनकुक जल्दी से इसको पी लो और अपने मुंह को साफ कर लो और बाल को ठीक कर लो, बॉस आ ही गया है, वो अंदर आने वाले हैं। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है, कौन है मुझे भी देखना है। तो जनकुक जैसे ही तियांग को इंटर करते हुए देखते हैं ना, उसको देखकर देखते ही रह जाते हैं, उसके हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शिवरिंग कर रहा था, उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए थे। वो उसको देखकर कहता है, वो हैवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूनो कहता है, क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये हमारा न्यू बॉस है, सब लोग यही कह रहे हैं। जनकुक तुम ऐसी बातें मत किया करो वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जनकुक कहता है, तुम नहीं जानते हो। उसके बाद यूनो को सारी बातें बोलते हैं। यूनो कहता है, चुप हो जाओ, जो कुछ भी हुआ है अभी के लिए कुछ मत कहना, बस चुप रहो और उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, मैं बाद में कुछ सोचता हूँ। जनकुक तियांग को देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगता है, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों किया, उसका क्या हक है मेरे साथ ऐसा कुछ करने का। तियांग ऑफिस में एंटर करने के बाद सब लोगों से बातें की सिवाय जनकुक के, वो अपने कैबिन में चले जाते हैं। यूनो कहता है, बॉस तुमसे कोई बात नहीं किया है, कहीं वो तुम्हें फायर तो नहीं कर देगा ना? जनकुक ध्यान से सोचो, तुमने कुछ किया था क्या? फिर जनकुक को याद आते हैं, हाँ पहले उसने उस पर उल्टी कर दिया था, उसके बाद वो तियांग की लिप्स को देखकर पिघल गए और उसके होठों पर किस कर लिया। तियांग की लिप्स इतना मुलायम और इतना पिंक कलर का दिख रहा था, जनकुक खुद को रोक नहीं पाए और उसको किस कर लिया। तो जैसे जनकुक को याद आता है, वो अपना सर पकाकर कहता है, ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने ही शुरुआत किया था उसको सीरियस करने में, तो वो तो मेरी हालत ऐसा करेगा ही ना, तो इसमें मेरी गलती थी।
पता नहीं मैंने ही उसको फोर्स किया होगा। अब मैं क्या करूँ यूनो, कहीं वो मुझे फायर कर देगा तो मैं क्या करूँगा। मुझे पैसे की ज़रूरत है, यूनो कहता है। मुझे भी तुम्हारे लिए डर लग रहा है, जाओ जाकर बात कर लो। जनकुक अब तियांग से मिलने के लिए जा रहा था लेकिन उसके हाथ पैर काँप रहे थे। तो फिर जैसे जनकुक तियांग से मिलने के लिए उसके कैबिन में आते हैं, जनकुक तियांग से सॉरी बोलने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तियांग कहता है, रुक जाओ, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ इतना जानना है, क्या तुम सिंगल हो या फिर किसी के साथ डेट कर रहे हो? कहीं किसी के साथ लिविंग में तो नहीं होना, या फिर तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने शादी कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे सारी बातें जानना है। मैंने पता कर लिया है कि तुम्हारा नाम जियोन जंगकुक है, तुम सिंगल हो और ना ही किसी के साथ डेट किया है और ना ही किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तुमने शादी भी नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे साथ। जंगकुक कहता है, क्या? मैं समझा नहीं, तियांग कहता है। मैं तुम्हें आगे कुछ बोलने ही वाला हूँ लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें सब कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया। जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे फायर मत करना। तियांग कहता है, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और इसीलिए मैं तुम्हें इस ऑफिस से फायर करना तो चाह। तो जंगकुक कहता है, क्या मुझे फायर करने वाले हो? प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझसे गलती हो गया है, माफ़ कर दीजिए मुझे। तियांग कहता है, मैं तुम्हें फायर करना चाह रहा था क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और मैं अपने हस्बैंड को किसी ऑफिस में एम्प्लॉय तो नहीं देख सकता हूँ ना, लेकिन तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और तुम बहुत ही इंडिपेंडेंट और खुदगर्ज लगे हो, इसलिए मैं तुम्हें इस ऑफिस से नहीं निकल रहा हूँ। तुम इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे तुम इतने पसंद आ गए हो कि अब मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। मेरे मैनेजर से मैंने कहा और मेरे मैनेजर ने जब तुम्हारे पिक्चर को देखा है ना, उसको तुरंत तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगा और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, आर यू सिंगल? जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था और वो कहता है, क्या आप पागल हो? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हो जिसको ये भी नहीं पता था कि आप कौन हो और आपको किस कर लिया था? सिर्फ उस एक किस की वजह से आपने जो मेरी हालत किया है, आपको पता भी है कि आपने क्या किया है? तियांग कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है मैंने क्या किया है, मैं क्या करता? तुम्हारी बॉडी एक लड़की से भी इतना खूबसूरत है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? इसका मतलब आपने बहुत सारे लड़कियों को इस तरह से देखा होगा। तियांग कहता है, तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो गलत भी नहीं है। मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट भी किया है लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया, पता नहीं मुझे किसी के साथ फील नहीं आ रहा था, मैं किसी लड़की के हाथ भी आज तक टच नहीं किया, कोई अगर मेरी हैंड को ज़बरदस्ती पकड़ भी लेता है मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील लगता है, लेकिन जब कल रात को तुमने मुझे किस किया मैं खुद को संभाल नहीं पाया, इतने दिनों से मेरे अंदर जो हॉटनेस भरा पड़ा था वो तुम पर निकल गया। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम पर बहुत ही शक्ति दिखाई है कल रात को, मैंने तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब कर दिया जिसके बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा तो मैं तुमसे कैसे कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ प्यार तो नहीं कह सकते हो क्योंकि अभी अभी हम दोनों मिले थे, तो इसको पसंद तो ज़रूर कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो ये फॉल इन लव है जो तुमसे हो गया है। जनकुक मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा फीलिंग्स क्या है, लेकिन मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में सोच सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हाँ तुम्हारा जवाब हाँ ही होना चाहिए क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैंने इससे पहले इस तरह से कभी नहीं सोचा है, मुझे पहली बार किसी के लिए ऐसा फील हो रहा है और मुझे प्यार होने का महसूस हो रहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हें ज़रूरत है। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तियांग कहता है, हाँ ठीक है जितना टाइम चाहे ले लो, लेकिन जवाब हाँ ही होना चाहिए। जंगकुक अब तियांग की कैबिन से बाहर निकल जाता है। यूनो कहता है, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या उसने तुम्हें फायर कर दिया? देखो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए। तो जंगकुक कहता, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, उसने मुझे फायर नहीं किया है।
वो मुझे शादी करना चाहता है। सारी बातें यूनो को कहता है। यूनो कहता है, क्या इतना हॉट और हैंडसम बॉस तुमसे शादी करना चाहता है? अगर वो मुझसे कहता ना, मैं तुरंत हाँ कह देता। तुमने क्या किया? तुमने टाइम लिया है इसको सोचने के लिए? तुम पागल हो क्या? ऐसे भी तुम दोनों साथ में ही थे कल रात को, और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कितना हॉट है। तुम्हें तो सब कुछ पता है। तुमने तो उसके साथ तो जंग को कहता है, बस बहुत हो गया, बस करो। यूनो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं तो उस रात को भूलना चाहता हूँ। यूनो कहता है, हाँ बस बहुत हो गया है, अब गुस्सा करना बंद करो और शांत हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। त्यांग हर दिन ऑफिस आते हैं, वो भी जनकुक के लिए। वो जनकुक को देखने के लिए ऑफिस आते हैं, वरना उसको ऑफिस में कोई काम नहीं है। सारा काम आरएम संभाल लेता है, उसका बड़ा भाई, और जिन तो है ही उसके ब्रदर इन लॉ। त्यांग तो सिर्फ यहाँ पर आते हैं जनकुक को देखकर अपनी आंखों को सेकने के लिए। जैसे जनकुक को देखते हैं उसका दिल खुश हो जाता है। जनकुक ये सब कुछ नोटिस करता है, और जनकुक के जो कर्ज थे वो सारा त्यांग ने चुका दिया था। जैसे जंकू को पता चला, जंकू त्यांग के पास गया और उसको कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पैसे को क्यों दे दिया जो मुझे देना था? त्यांग कहता है, तो तुम इसके लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा कर्ज मेरा नहीं है क्या? मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, मैं तुम्हें और मुझे अलग नहीं समझता हूँ, तो तुम इस तरह से मत कहो। और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ जंकू, ये दिखाने के लिए नहीं था, मैंने दिल से किया है ताकि तुम परेशान ना रहो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, तुम हमेशा खुश रहा करो। चंकू, देखो तुम अगर मुझसे शादी कर लोगे ना, मैं तुम्हें सारी खुशी देने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे आंसू को नहीं रोकूंगा, क्योंकि कभी कभी आंसू को बह जाना भी अच्छा है, वरना दिल में बहुत ही ज़्यादा बोझ रह जाता है। मैं किसी भी दबाव को तुम्हारे दिल पर नहीं रखना चाहता हूँ। तुम्हें जब भी रोना हो तुम रो लेना, मैं तुम्हें अपना कंधा दूंगा रोने के लिए, और जब तुम मुस्कुराओगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ खुश होऊंगा। जनकुक को पहली बार त्यांग की बातों को सुनकर बहुत ही टच लगा, और वो त्यांग को जाकर हक कर लिया। त्यांग भी जनकुक को, पहले तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे, क्योंकि जनकुक ने उसको हक कर लिया, उसको क्या करना चाहिए। उस बार जनकुक ने उसको किस किया था, उसने तो जनकुक की बहुत ही हालत खराब कर दिया था। इस बार त्यांग को क्या करना चाहिए, लेकिन त्यांग खुद को रोक नहीं पाते हैं, जनकुक को टाइटली पकड़ लेते हैं। उसके बाद त्यांग जंकू के होठों पर किस करने ही वाले थे, लेकिन वो रुक जाता है। जंकू कहता है, क्या हुआ? त्यांग कहता है, कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ इसलिए मैं रुक गया, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। तुम इतने क्यूट और इनोसेंट हो ना कि तुम्हें देखा किसी को भी किस करने का मन करेगा, और मैं तो हूँ ही तुम्हारा आशिक। जंकू अपने होठों को पाउट कर लेता है और त्यांग को इशारा करता है। त्यांग समझ जाता है कि जंकू भी यही चाहता है, और त्यांग तुरंत जंकू के होठों पर किस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे त्यांग जंकुक को आर्यम और जिन से मिलवाने के लिए उसके घर लेकर जाते हैं। आर्यम और जिन जंकुक को देखकर शौक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक लड़के को शादी करने वाले हो? त्यांग, आखिर तुम्हें एक लड़के में इंटरेस्ट है, तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? त्यांग कहता है, मुझे भी पता नहीं था, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे जंकुक में इंटरेस्ट है। मैंने जंकुक को पहली बार देखने के बाद मुझे लगा कि यही मेरा फ्यूचर है जिसके साथ मैं रह सकता हूँ। उसकी होठों की छुआन मुझे इतना भाग गया कि मैं उसके साथ उस रात को ही तो जिन कहता, बस बस बहुत हो गया है और कुछ मत कहो। आर्यम, तुम इतने दिनों से जो बोल रहे थे वो सब कुछ गलत था, आखिर त्यांग को जंकुक पसंद है। क्यों त्यांग, तो शादी कब करने वाले हो? त्यांग कहता है, बहुत जल्द, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब जंकुक कहेगा तभी, मैं जंकुक को फोर्स नहीं कर सकता हूँ। जनकुक कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में। तो आर्यम और जिन भी तैयार हो जाते हैं उन दोनों की शादी करवाने के लिए। शादी की सारी तैयारियां करना शुरू कर देता है, और इन दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाला है। टाइम को स्किप करते हैं। आज त्यांग और जनकुक की शादी की फास्ट नाइट है। त्यांग और जनकुक एक दूसरे को टाइटली हक करके बातें कर रहा था। जनकुक कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस इंसान के साथ मेरी शादी हो जाएगा जिस इंसान के साथ मैंने गलती से एक रात गुजारी है, और वो मेरे बॉस है। मुझे अगर पता होता कि तुम मेरे बॉस हो तो मैं कभी तुम्हें उस दिन किस नहीं करता। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार होगा, अगर मुझसे प्यार नहीं होता और कोई और होते तो क्या होता मेरा? ये सोचकर ही मुझे बहुत ही डर लग रहा है। त्यांग कहता है, अब मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता हूँ, और ये गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा।
इसलिए तुम कभी ड्रिंक नहीं करोगे, और अगर ड्रिंक करना है ना तो मेरे सामने ही करोगे, क्योंकि मुझे अभी डर लगने लगा है कहीं तुम ड्रिंक करने के बाद किसी और के साथ सो गए तो। और चनकुक कहता है, तुम भी ना बहुत खराब हो। दियांग चनकुक के होठों पर किस कर लेता है। सो गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दियांग कहता हो, आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। कितना पसंद आया है वो तो मुझे पता चल ही जाएगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।